Hello children, how are you all? I hope all are fine. बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर श्रीमती लिली राय चौधरी। आज हम पार्ट 10 परीक्षा का वाचन करेंगे। पार्ट को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, परीक्षा का अर्थ केवल पढ़कर और याद करके उसे कागज़ कलम के द्वारा लिखकर ही नहीं दी जाती है, बल्कि परीक्षाएं जीवन में कई प्रकार की होती हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि परीक्षा जीवन में किस प्रकार से आती है और हम किस तरह से उसमें सफल होते हैं। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। पाठ 10 परीक्षा। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ परिचय को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ परिचय। परिश्रम का फल मीठा होता है, सो अपने लिए सभी परिश्रम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना फल की इच्छा रखे दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं। अपने लिए तो सभी परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अलावा दूसरों के लिए भी भला सोचते हैं, दूसरों का भला करते हैं। इसीलिए हम आज इस पाठ में ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। एक जिला अधिकारी थे। वे अपने जिले में किसी ऐसे भले आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो। किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उनके बारे में और जानकारी जुटाने लगते थे। जिलाधिकारी को जब किसी के विषय में यह पता चलता कि इस गांव में या शहर में कोई भला व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की सेवा करता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो ऐसे लोगों को ढूंढकर वो उन्हें पुरस्कृत करते थे, इनाम देते थे। तो जिलाधिकारी कहाँ चले? ऐसे ही व्यक्तित्व की तलाश में। एक बार उस जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने जाना था। वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चल दिए। गांव की सड़क अधबनी थी। अधबनी का अर्थ होता है जो अधूरी हो, पूरी ना बनी हो, उसे कहते हैं अधबनी। इसलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नज़र एक भारी पत्थर पर पड़ी जिससे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था। जिलाधिकारी कहाँ जा रहे थे? ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, पर सड़क अधूरी होने के कारण उन्हें कार से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। कुछ दूर चलते ही उन्हें सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि इस पत्थर से ठोकर खाकर ना जाने कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, पर उनके मन में एक विचार भी आया कि क्यों ना इन गांव के लोगों की एक परीक्षा ली जाए। जिला अधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया। वे एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। वे यह देखना चाहते थे कि राह में पड़े उस पत्थर को वहाँ से कौन हटाता है, क्योंकि उन्हें तो ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करे। अब जो व्यक्ति उस पत्थर को बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के उस सड़क से हटाता, उसका विचार क्या है कि किसी को नुकसान ना हो, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, तो जाकर वो पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद एक किसान आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर हल था और एक हाथ में बैलों की डोरी। उस पत्थर को देखते ही किसान स्वयं भी सड़क के किनारे चलने लगा और बैलों को भी पत्थर की ठोकर खाने से बचा लिया। उस किसान ने क्या किया? खुद को सुरक्षित किया और अपने बैलों को भी सुरक्षित किया। लेकिन उसने किसी दूसरे के विषय में नहीं सोचा कि अचानक उस पत्थर से ठोकर खाकर किसी को नुकसान हो सकता है। उसने अपने आप को और अपने बैलों को बचाते हुए वहां से चला गया। दूर से एक दूध वाला
आता दिखाई दिया। सिर पर वजन होने से उसकी गर्दन आकाश की ओर उठी हुई थी। व्यध्यानी में वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सिर पर वजन होने के कारण उसका सिर ऊपर की ओर था, उसकी आंखें ऊपर की ओर थी और नीचे का पत्थर उसे दिखाई ना देने के कारण वह गिर पड़ा। घुटनों पर चोट लगी और सारा दूध सड़क पर गिर गया। दूध वाला कठिनाई से उठते हुए बड़बड़ाया, इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है और किसी ने नहीं हटाया। मेरा दूध तो गिर गया, अब मैं ग्राम सभा को दूध कैसे दे पाऊंगा। सड़क के बीचों बीच उस पत्थर के पड़े होने के कारण दूध वाले को चोट भी आई और उसे नुकसान भी हुआ। पर उसे गुस्सा किस पर आया? दूसरों पर कि किसी ने उस पत्थर को हटाया क्यों नहीं। दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। उसे चोट लगी, उसका नुकसान हुआ, उसे गुस्सा किस पर आया? दूसरों पर। लेकिन उसने क्या किया? पत्थर को हटाया नहीं, उसने पत्थर को नहीं हटाया। वह अपना नुकसान देखकर दुखी हो गया और वहां से चला गया। तभी किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक युवक साइकिल पर सवार मस्ती में गाना गाता आ रहा था। अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया। साइकिल लड़खड़ाई, युवक गिरते गिरते बचा। वह बड़बड़ाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहीं पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई अब तक इसे हटाने नहीं आया। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। युवक ने साइकिल आगे बढ़ाई और दूर निकल गया। साइकिल पर सवार होकर वह बड़ी मस्ती में आ रहा था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था साइकिल चलाने में। लेकिन अचानक सामने उस बड़े पत्थर से टकराने के कारण वह लड़खड़ाने लगा। वह गिरने की कगार में था। उसे गुस्सा आने लगा। वह दूसरों पे बड़बड़ाने लगा कि इतना बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच पड़ा है, लेकिन किसी ने उसे नहीं हटाया। क्या इस कार को वह खुद भी हटा सकता था? हटा सकता था, लेकिन क्या उसने हटाया? नहीं, उसे तो दूसरों पे गुस्सा आ रहा था कि किसी ने यह पत्थर यहाँ से क्यों नहीं हटाया। उसे केवल अपना स्वार्थ ही वहाँ नज़र आने लगा। उसने गुस्सा दूसरों पे दिखाया, लेकिन उसने यह नहीं किया कि उस पत्थर को उठाकर एक तरफ कर दे ताकि दूसरों को उससे परेशानी ना हो। उसने तो अपना साइकिल उठाया और वहाँ से चला गया। युवक के जाते ही एक बुज़ुर्ग सिर पर फलों की टोकरी लिए आए। वे भी उसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके सारे फल बिखर गए। उस बुज़ुर्ग के सिर पर एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारे फल रखे हुए थे, पर पत्थर से ठोकर खाने से वो सारे फल बिखर गए और वह बुज़ुर्ग भी नीचे गिर पड़ा। जिला अधिकारी ने बुज़ुर्ग की मदद के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उन्होंने देखा एक लड़का दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग की ओर आ रहा है। जब उन्होंने उस बुज़ुर्ग की मदद के लिए अपने कदम बढ़ाए, इतने में देखा कि एक छोटा सा लड़का है जो दौड़ते हुए बुज़ुर्ग की मदद के लिए वहां पहुंच गया। फिर से पेड़ की आड़ में छिप गए। वह लड़का उस वृद्ध को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर देखो सारे फल कैसे बिखर गए हैं। वे फल ग्राम सभा में बांटे जाने थे। लड़के ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सब फल समेटकर टोकरी में रख दूंगा। लड़के ने फल समेटे, फिर फलों से भरी टोकरी उठाकर वृद्ध के सिर पर रखने में सहायता की। उस बुज़ुर्ग को जब चोट लगी, वह गिर पड़े, तो उस बालक के मन में उसके प्रति दया भाव दिखाई दी और उसने क्या किया, उस बुज़ुर्ग को उठाया भी और उनके सारे फल समेटकर उसकी टोकरी में रखकर उसे सिर पर रखने में मदद की। बुज़ुर्ग बालक को आशीर्वाद देते हुए चले गए।
अब वह लड़का पत्थर को रास्ते से हटाने में जुट गया। उस बालक ने पहले तो उस बुजुर्ग की मदद की, उनके सारे फल समेटकर टोकरी में रखकर उनके सिर पर रखने में उनकी सहायता की। उसके बाद उसने विचार किया कि इस पत्थर से कितने लोगों को ठोकर लग रही है, नुकसान हो रहा है, चोट लग रही है, तो क्यों ना इस पत्थर को मैं इस रास्ते से हटा दूं। जिला अधिकारी ने उस लड़के के पास आकर पूछा, बेटे तुम कौन हो? लड़के ने बताया, मैं गोपालन हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीमान, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तुम स्कूल जाते हो ना? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जब जिलाधिकारी ने देखा कि उस बालक ने बिना किसी स्वार्थ के उस बुजुर्ग की मदद की और उस पत्थर को उस रास्ते से हटाकर एक तरफ रख दिया, तो जिलाधिकारी से रहा नहीं गया। वो उस बालक के पास गए, उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और किस कक्षा में पढ़ते हो। जिला अधिकारी ने अगला सवाल किया, तुम रोजाना इसी रास्ते से आते जाते हो? किससे पूछा ये सवाल? उस बालक से, जिसका नाम गोपालन था। गोपालन ने कहा, नहीं, महीनों इस रास्ते पर आना नहीं होता, फिर आज किस लिए आए हो? यह सवाल किसने पूछा? जिलाधिकारी ने उस बालक से, कि तुम तो इस रास्ते से आते नहीं हो, फिर आज कैसे इस रास्ते से आए? यह सवाल किसने पूछा? उसी जिलाधिकारी ने बालक से पूछा। बालक ने कहा, आज पड़ोस के गांव के सरपंच को हमारी ग्राम सभा में आना है, मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। उनके गांव में ग्राम सभा होने वाली थी और दूसरे गांव के जो सरपंच है उसी को लेने के लिए वह बालक दूसरे गांव जा रहा था। अधिकारी उसकी पीठ थपथपाते हुए गांव की ओर चले गए और गोपालन दूसरे गांव की ओर। कुछ देर बाद गोपालन उन सरपंच महोदय के साथ ग्राम सभा में आया। गोपालन के आते ही जिलाधिकारी ने ग्राम सभा को अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया, दूसरों की निस्वार्थ भलाई करने वालों को सरकार पदक देना चाहती है, पदक अर्थात पुरस्कार देना चाहती है। इस जिले में ऐसे व्यक्ति का चयन मुझे करना था। अधिकारी ने अपना परिचय दिया और परिचय देते हुए बताया कि मैं इस गांव में किस कारण से आया हूँ। उन्होंने बताया कि जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, सरकार के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और मैं ऐसे ही व्यक्ति की खोज में इस गांव में आया हूँ। आज इस गांव के रास्ते में मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया जो अपने ज़िले के लिए पहला पदक पाएगा। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि वह व्यक्ति है इस गांव का बालक गोपालन। आगामी गणतंत्र दिवस पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय गोपालन को पदक प्रदान करेंगे। अधिकारी को उस बालक के निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाली जो बात है इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने गोपालन का नाम उस पदक के लिए चयन कर लिया। ग्राम सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरों के काम आने की गोपालन की आदत के बारे में वे पहले से ही जानते थे। गांव वाले पहले से ही इस बात से भली भांति परिचित थे कि गोपालन दूसरों की मदद करता रहता है। सरपंच महोदय ने भी ग्राम सभा की ओर से उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। गांव के सरपंच भी उसके इस सेवा भाव से इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि वह भी उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। गोपालन के संगी साथियों ने उसे बधाई दी और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और
हमेशा अपने स्वार्थ को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि दूसरों का भला हो ऐसे काम भी करना चाहिए। जिस प्रकार से गोपालन ने दूसरों की मदद की, उसने ये नहीं देखा कि इसमें उसका क्या स्वार्थ है। उसने उस बुजुर्ग की मदद की और साथ में दूसरों को नुकसान ना हो, चोट ना लगे, इसलिए सड़क के बीच में से उस पत्थर को हटा दिया। अब हम आते हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर। पहला शब्द है निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। पहला शब्द है निस्वार्थ, इसका अर्थ होता है बिना स्वार्थ के। जिस प्रकार से उस बालक ने बिना किसी स्वार्थ के उस फल वाले की मदद की और साथ में उस पत्थर को उठा के एक तरफ कर दिया, तो निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के। प्रशंसा, तारीफ। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। अध बनी, अधूरी बनी। सड़क कैसी थी? अधूरी थी, पूरी नहीं थी, इसलिए अधबनी का अर्थ होता है अधूरी बनी। वैध्यानी, बिना ध्यान दिए। उस सड़क पर जो बड़ा सा पत्थर पड़ा था, बिना ध्यान दिए जो भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था वो वहाँ पर गिर रहा था, चोट खा रहा था, इसीलिए हमेशा सड़क पर चलते हुए हमें ध्यान देना चाहिए। वैध्यानी का अर्थ होता है बिना ध्यान दिए। ग्राम सभा, ग्राम के लोगों की सभा। ग्राम सभा का अर्थ होता है ग्राम के लोगों की सभा। बुजुर्ग, बूढ़ा। बुजुर्ग का अर्थ होता है बूढ़ा। सहायता, मदद। सहायता का अर्थ मदद। हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगामी, आने वाले। आगामी का अर्थ होता है आने वाले। इन शब्दों के अर्थ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लिखकर इसका अभ्यास करना है। अगला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, जिला अधिकारी को किसकी पहचान करनी थी? उत्तर है, जिला अधिकारी को निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने वाले आदमी की पहचान करनी थी। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे, जिला अधिकारी को निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने वाले आदमी की पहचान करनी थी। दूसरा प्रश्न है, जिला अधिकारी कहाँ जा रहे थे? उत्तर है, जिला अधिकारी गांव की ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। उत्तर एक बार फिर से दोहराएंगे, जिला अधिकारी गांव की ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तीसरा प्रश्न है, किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? उत्तर है, किसान पत्थर को देखते ही सड़क के किनारे चलने लगा और बैलों को भी पत्थर की ठोकर खाने से बचा लिया। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे, किसान पत्थर को देखते ही सड़क के किनारे चलने लगा और बैलों को भी पत्थर की ठोकर खाने से बचा लिया। चौथा प्रश्न है, दूध वाले के साथ क्या हुआ? उत्तर है, दूध वाला पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। उत्तर को फिर से दोहराएंगे, दूध वाला पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे और कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ आपको कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, आपको उनमें सही शब्दों को चयन करके भरना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है, आपको भी अपनी पुस्तक में लिखना है। पहला है, एक जिला अधिकारी थे, तो आपको क्या लिखना है? जिला अधिकारी, उन्हें जिले के सबसे भले आदमी की पहचान करनी थी। दूसरा है, गांव की सड़क अधबनी थी। हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? अधबनी, तो आपको पुस्तक में लिखना है अधबनी। जिला अधिकारी देखना चाहते थे कि पत्थर को सड़क से कौन हटाता है। खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? पत्थर। किसान के कंधे पर हल था,
खालिस्तान में हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? किसान। किसान के कंधे पर हल था। अगला प्रश्न है, एक बुजुर्ग सिर पर फलों की टोकरी लिए आए। हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? बुजुर्ग। इन खालिस्तानों में सही शब्दों का चयन करके आपको लिखना है। तो मैंने कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उच्चारण करना है और आपकी पुस्तक में उसे भरना है। उत्तर लिखिए। क, बुजुर्ग के साथ क्या हुआ? पहला प्रश्न क्या है? बुजुर्ग के साथ क्या हुआ? उत्तर है, बुजुर्ग के सिर पर फलों की टोकरी थी, पत्थर से टकराते ही बुजुर्ग ठोकर खाकर गिर पड़े, उनके सारे फल बिखर गए। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। बुजुर्ग के सिर पर फलों की टोकरी थी, पत्थर से टकराते ही बुजुर्ग ठोकर खाकर गिर पड़े, उनके सारे फल बिखर गए। दूसरा प्रश्न है, बुजुर्ग की सहायता किसने की? उत्तर है, बुजुर्ग की सहायता गोपालन ने की, उसने बुजुर्ग को उठाया और सारे फल समेटकर टोकरी में रखे। गोपालन ने बुजुर्ग की सहायता की, उन्हें उठाया और सारे फल समेटकर टोकरी में रख दिए। अगला प्रश्न है, जिला अधिकारी ने गोपालन से क्या पूछा? उत्तर है, जिला अधिकारी ने गोपालन से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और किस कक्षा में पढ़ते हो इत्यादि। किसने पूछा ये? जिलाधिकारी ने गोपालन से पूछा। चौथा प्रश्न है, गोपालन को कौन सा पुरस्कार मिलना था और क्यों? उत्तर है, गोपालन को सरकार की ओर से निस्वार्थ भलाई करने का पुरस्कार मिलना था, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता था। वह गोपालन बहुत ही अच्छा लड़का था, उसका स्वभाव ही था कि वह दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करता था। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे याद करेंगे। सुनो और लिखो। जब हम सही उच्चारण करेंगे तो सही सुनेंगे और सही लिखेंगे, इसीलिए उच्चारण सही सही करना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द है निस्वार्थ। पहला शब्द क्या है? निस्वार्थ। दूसरा शब्द है वृद्ध। क्या है दूसरा शब्द? वृद्ध। तीसरा शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा। तीसरा शब्द है प्रशंसा। चौथा शब्द है वैध्यानी। वैध्यानी। पांचवा शब्द है ग्राम सभा। पांचवा शब्द है ग्राम सभा। छठवां शब्द है पत्थर। छठवां शब्द है पत्थर। सातवां शब्द है बुजुर्ग। सातवां शब्द है बुजुर्ग। और आठवां शब्द है गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। एक बार फिर से दोहराएं, निस्वार्थ, वृद्ध, प्रशंसा, वैध्यानी, ग्राम सभा, पत्थर, बुजुर्ग, गणतंत्र। इनको सही सही उच्चारण करते हुए बार बार दोहराना है और लिखकर भी अभ्यास करना है। भाषा बोध। उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं और यहाँ सर्वनाम दिए गए हैं, उसमें से उचित सर्वनाम को चुनकर आपको रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। यहाँ मैंने आप शब्द का प्रयोग किया है, उसके स्थान पर अगर मैं किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल करती या उपयोग करती वह गलत होता। जैसे, आप दिल्ली कब आए, तो यह वाक्य सार्थक हो रहा है। इसी के स्थान पर अगर मैं दिल्ली कब आए या वह दिल्ली कब आए का प्रयोग करती तो यह वाक्य सही होता नहीं। इसमें सही शब्द कौन सा है? आप। आप दिल्ली कब आए। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी। हमने कौन सा शब्द चुना है? स्वयं। बाहर कोई खड़ा है।
इसमें से हमने कौन सा शब्द लिया है? कोई। यह मेरी पेंसिल है, कौन सा शब्द चुना हमने इसमें? यह। अगला वाक्य है, मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें हमने मुझे सर्वनाम को प्रयोग में लिया है। इस वाक्य को फिर से पढ़ेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। इन वाक्यों को फिर से पढ़ना है और समझना है। आप जितना अच्छे से इसे पढ़ेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी, इसलिए इसका बार बार दोहराव करते रहिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग वाले शब्दों को चुनेंगे। पुल्लिंग वाले शब्दों में हमने क्या क्या चुना है? भाई, पुजारी, धोबी, बूढ़ा। और स्त्रीलिंग में छात्रा, नायिका, रानी, मोरनी। पुल्लिंग वाले शब्दों को पुल्लिंग के स्थान पर और स्त्रीलिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग के स्थान पर लिखना है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है और समझकर उसे सही स्थान पर लिखना है। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, वह वाक्य शुद्ध नहीं है। आपको क्या करना है? इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख के प्रयोग करना है। पहले हम अशुद्ध वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर उसे सही करके लिखेंगे, शुद्ध रूप में लिखेंगे। पहला वाक्य है, मेरे को घर जाना है। पहला वाक्य है, मेरे को घर जाना है। इसे शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? मुझे, मेरे के स्थान पर मुझे घर जाना है। नाना जी आया है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। तीसरा है, तुम्हारे को मेरी पुस्तक लौटानी है। यह वाक्य भी अशुद्ध है, उसे शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? तुम्हें मेरी पुस्तक लौटानी है, तुम्हें मेरी पुस्तक लौटानी है। हमारे को अच्छे काम करने चाहिए, हमारे को अच्छे काम करने चाहिए। सही वाक्य क्या है? हमें अच्छे काम करने चाहिए। अशुद्धता को दूर करके हमें शब्दों को शुद्ध करना है और सही वाक्य में लिखना है। अगला प्रश्न है या है लगाइए। यहाँ है एकवचन के साथ और है में बिंदी बहुवचन के साथ प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है, मामी हमारे लिए खिलौने लाई हैं। खिलौने बहुवचन है, इसलिए हमने इसके साथ क्या प्रयोग किया है? हैं। रमा बाहर खेल रही है, रमा बाहर खेल रही है, यह एकवचन है, इसके साथ हमने क्या प्रयोग किया है? हैं। सारा सामान उठाना है, इसमें हमने है का प्रयोग किया है। यहाँ बहुत मच्छर हैं, हमने यहाँ बहुत मतलब एक से अधिक का बोध हुआ है ना, तो हमने यहाँ क्या प्रयोग किया है, जिसमें है में बिंदी है। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसे दोहराना है। अब हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को भी पढ़कर समझना है और याद करना है। पहला है, पाठ का वाचन पुनः करें। इस पाठ का वाचन आपको फिर से करना है। पाठ को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर का लिखकर अभ्यास करें। पढ़ने के साथ साथ हमें लिखने का भी अभ्यास करते रहना है। जितना आप लिखेंगे, आपकी राइटिंग उतनी सुंदर होती जाएगी और चीज़ें आपको अच्छे से याद भी रहेंगी। पाठ में दिए गए अभ्यास का पुनः दोहराव करें। इस पाठ में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, खाली स्थान और जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, उनको आप बार बार क्या करेंगे? दोहराएंगे, पढ़ेंगे। जितना आप पढ़ेंगे और दोहराएंगे, चीज़ें आपको अच्छे से याद होती जाएंगी। बच्चों,
इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है कि हमें बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के सोचे दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करने से ईश्वर भी आपकी मदद करता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मदद करने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और हम जीवन में सफल होते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है अपने ध्यानपूर्वक उसे पढ़ा है, और इस पाठ का अभ्यास आप फिर से करेंगे, पाठ को पुनः पढ़ेंगे और उसका दोहराव करेंगे और दिए गए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।